हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं साईं साधना आपके सामने कुछ वास्तु टिप्स देना चाहती हूँ कि अपने घर में सुख शांति कैसे बनाए रखें। आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पे जो है आप लोग स्वास्तिक या ओम का निशान बनाए चिपका दीजिए या बना दीजिए, जो मेन द्वार है वहाँ पे। और दूसरा जो है घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में पानी से भरा कलश रखिए। सेकेंड जो है उससे आपके घर में बहुत सुख शांति बनी रहेगी। और तीसरा जो है ड्राइंग रूम में जो है ताज़ा फूलों का गुलदस्ता रखिए, सूखे फूलों का नहीं। हमें देखते हैं कि बहुत लोग जो सजाने के लिए सूखे फूलों को रख देते हैं, पर जो सुख शांति हम ताज़ा फूलों से हमें मिलती है वो हमें कागज़ के फूलों से नहीं मिलती। इसलिए ताज़ा फूलों का गुलदस्ता रखें। घर का जो पूजन स्थल है उसको जो है आप रसोई में नहीं रखें। आप अक्सर करके देखते हैं कि बड़ी शहरों में लोग पूजा स्थल को रसोई में ही बना देते हैं, पर रसोई में मत बनाइए, दूसरी जगह उसको बना के रखिए, वहाँ पे पूजा कीजिए। और जो है घर का जो है ड्राइंग जो ये, और ये भी ध्यान रखें कि जो घर के पूजन स्थल की दीवार हो वो शौचालय की दीवार से संपर्क न करती हो, उसका भी हमें निगेटिव वो होता है। इसलिए हमें जो है घर में सुख शांति और अस्थाई और अच्छी प्रवृत्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए हमें ये सब उपाय अपनाने चाहिए। और जो हमें घर की आंतरिक साज सज्जा पे ध्यान देना चाहिए, घर को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। और हमें ये ध्यान देना चाहिए मित्रों कि घर के हर कोने में प्रकाश हो, हर कोने में प्रकाश पहुंचे, किसी घर के कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इससे जो है हमारी सुख शांति में वृद्धि होगी, हमारे घर में धन बढ़ेगा। और ये मैं आपके सामने कुछ वास्तु टिप्स लेकर के आई हूँ। शायद लगता है मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए ओम साईं राम।